दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि आँखों के अपर आईलिड्स पे या लोअर आईलिड्स पे स्वेलिंग हो जाती है, पफी लाइक स्वेलिंग हो जाती है नीचे के साइड में या फिर ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर कौन सी दवा देनी चाहिए। आज मैं मात्र दो दवाओं के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। पहली दवा है एपिस मेलिफिका, जिसको एपिस मेल के नाम से जानते हैं। दूसरी है काली कार्ब। तो इन दोनों के क्या सिम्टम होते हैं, कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे, आज हम आपसे इसी बारे में बात करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों जब भी पफी लाइक स्वेलिंग हो, बैग लाइक स्वेलिंग हो नीचे के साइड में अंडर द आईज, ठीक है, अगर इस पोर्शन पे स्वेलिंग है तो वहाँ पे जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो होती है एपिस मेल। और अगर ऊपर की तरफ स्वेलिंग है तो वहाँ पे जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है काली कार्ब। ये दो मेडिसिन दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एपिस मेल जो होती है वो राइट साइड की मेडिसिन है, दाहिनी तरफ अगर तकलीफें हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बाकी दोनों तरफ है तो भी वो काम करती है। अगर आप एपिस मेल की बात करें तो एपिस मेल में दोस्तों कुछ खास सिम्टम होते हैं। एपिस मेल को किसी भी बीमारी में अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कैसे हम इसको पहचानेंगे, एक तो पफी स्वेलिंग के साथ में आपको थर्स्टनेसनेस पाई जाएगी, मतलब प्यास नहीं रहेगी पेशेंट के अंदर में। स्टिंगिंग बर्निंग पेन, अगर दर्द है तो उसके अंदर चुभने वाला जैसे डंक मारता है ना मधुमक्खी, क्योंकि एपिस मेल जो दवा बनी है मधुमक्खी के विष से बनी हुई है, उसका जो विष में जो जहर होता है उससे बनती है दवा, तो उसका जो गुण होता है वो इसके अंदर भी आ जाता है, यानी चुभने वाला जलन करने वाला, जैसे मधुमक्खी मारती है जब तो जो तकलीफ़ होती है स्वेलिंग हो जाती है। और मैं आपको बताऊँ वैसी कंडीशन की भी एक अच्छी दवा, अगर मधुमक्खी काट ले आपको तो वहाँ पर आप एपिस मेल 30 या 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे, कुछ ही देर के अंदर में आपको जो जलन है तकलीफ़ है सारी की सारी सही हो जाएगी। अगर सूजन भी हो गई तो वो भी कुछ समय के बाद सही हो जाएगी। तो दोस्तों जो दर्द होता है और ये जो दर्द है, ये जो मैं सिम्टम बता रहा हूँ आपको, ये किसी भी बीमारी में अगर आपको मिलता है, स्टिंगिंग बर्निंग पेन, चुभने वाला जलन पैदा करने वाला दर्द, इवन कैंसर में भी ये काम कर सकती है। अगर चुभने वाला और जलन पैदा करने वाला दर्द है तो वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करती है। एक और ख़ास सिम्टम जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, थर्स्टनेस, प्यास नहीं होती है। दोस्तों कई सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसके अंदर प्यास नहीं है, जेलसीमियम है, नक्सोमिका है, पल्साटिला है, नक्स मस्केटा है, और भी कई सारी मेडिसिन हैं, लेकिन स्टिंगिंग बर्निंग पेन आपको एपिस मेल में ही मिलेगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एपिस मेल को पफी स्वेलिंग में, तो अंदर द आईलिड्स अगर है पफी स्वेलिंग तो वहाँ पे एपिस मेल, और ओवर मतलब ऊपर की तरफ है तो वहाँ पे काली कार्ब। अच्छा मैं आपको बता दूँ कि ये जो सिम्टम है आपको किसी भी बीमारी में अगर मिलता है, बड़ी बार क्या होता है कि अगर किसी को तकलीफ होती है, मान लीजिए किडनी के अंदर में, किडनी में इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं कि आँखों के अंदर नीचे स्वेलिंग आ जाती है, तो वहाँ पे पेशेंट को प्यास नहीं होती है, चुभने वाला जलन और जलन पैदा करने वाला दर्द होता है, तो वहाँ पे एक बेहतरीन दवा होती है एपिस मेल किडनी के सिम्टम में या किडनी की तकलीफ़ों में। और अगर ऊपर की तरफ है तो वहाँ पे काली कार्ब। काली कार्ब का जो सिम्टम होता है दोस्तों वो कि काली कार्ब का जो पेशेंट होता है, काली ग्रुप के जो पेशेंट होते हैं अगर आप देखेंगे, या काली ग्रुप की जो दवाएँ होती हैं वो वीकनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है, वीकनेस होती है, आँखें बंद हो ही जाती हैं, चूँकि ऊपर स्वेलिंग होती है, पफी स्वेलिंग होती है, तो आँखें पेशेंट को हमेशा आंखें लगता है कि ऐसे बंद, उसको मतलब अगर आंख खोलना भी होता है तो लगता है कि आंख को ऐसे करना पड़ेगा तब वो खोल पाएगा। तो ये जो सिम्टम होता है काली कार्ब में बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है, और ये सिम्टम और भी कुछ मेडिसिन में पाया जाता है, जैसे कास्टिकम, जेलसीमियम, उनके अंदर भी पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि वहाँ पर जो इसकी टोनिसिटी होती है, जो नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो नर्व उसको टोनअप करती है यहाँ की मसल्स को ताकि वो खिंची रहे, वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है कि ड्रुपिंग ऑफ द आईलिड्स हो जाती है, मतलब आईलिड्स ड्रॉप कर जाती है,
ये कंडीशन पाई जाती है आपको जेलसीमियम और कास्टिकम के अंदर में दोस्तों। लेकिन इनके अंदर बैक लैग स्वेलिंग, इसके अंदर भराव हो जाता है, जल का भराव कह लीजिए या लिक्विड इसके अंदर भर जाता है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ झुक जाती है, ये पाया जाता है काली कार्प के अंदर में दोस्तों। तो ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, काली कार्प में प्यास कम होती है, प्यास कभी कभी पाई भी जाती है लेकिन कम होती है ज़्यादातर, और वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, सुबह समय इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है, सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास इसकी तकलीफ़ें बढ़ी हुई मिलती है। तो दोस्तों इन सिम्टम पे अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं या दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो आज इतनी ही आपसे बातचीत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिम्टम पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये किसी भी बीमारी में अगर आपको ये सिम्टम पाए जाते हैं तो वहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं दोस्तों। तो आज की बात बस इतनी ही, फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको जानकारी हमेशा मिलती रहे, और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी दबाइएगा ताकि जितने भी अपलोड मैं वीडियो करूँ वो आपको पास तुरंत मिले, और आपको नोटिफिकेशन बिल को अगर आप ऑन करते हैं तो हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक और जानकारी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।